बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं खालिद हुसैन इकबाल सिद्दीकी। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे, जिसमें एक इक्वेशन हमें गिवन है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा उनका हमने सम लिया हुआ है, उसका फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज हैं माइनस टू ओवर थ्री इक्वल्स टू टू ओवर थ्री। इसी तरीके से उसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, जिसकी वैल्यू है 4, सी वैल्यू 4 और 3 यानी ए। ये हमने वैल्यूज ली हुई है पहले लेक्चर में, मैंने डिटेल से आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, किसकी तरफ हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में। हमें कहते हैं कि आपने फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, आपको चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये बाकी जो टर्म है होल टर्म हम उसको इस साइड पर लेकर आएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये इक्वल होगा किसके, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये बेटे अब वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा यानी सम है उसकी वैल्यू है 2 ओवर 3 क्यूब ले लिया माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा वैल्यू है 4 ओवर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 ओवर 3। अब इसका क्यूब ओपन करें, ये 8 ओवर 27 होगा माइनस ये 3 से 3 कैंसिल 4 टू द 8 और डिनोमिनेटर में 3 आ जाए। हम इसका लेंगे सम एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 27, ये 8 हो जाएगा माइनस 3 को 27 पर डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ गया, विच इज इक्वल टू 72 से 8 को निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस का 64 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि 27। ये हमारा आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी का, हमारे पास है ये पॉइंट पार्ट 5। इसके लिए हमें कहता है कि आपने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसका आप लेंगे एलसीएम, अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब को जब डिवाइड करेंगे अल्फा क्यूब से कैंसिल बीटा क्यूब रह जाएगा, तो बीटा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया ये बीटा क्यूब आ जाए, प्लस बीटा क्यूब को डिवाइड करने से बीटा क्यूब कैंसिल अल्फा क्यूब रहेगा, अल्फा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा क्यूब आ गया। अब आप देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस साइड को हम इधर ले आते हैं, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है जी हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा।
डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्यूब को आप ले लेंगे कॉमन, तो होल क्यूब बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 2/3, 2/3 का क्यूब आ जाएगा, -3 इनटू अल्फा बीटा 4/3, ये 4/3 इनटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 इन डिनोमिनेटर, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, 4/3 का क्यूब है। अब बेटे इसका क्यूब ओपन करें, 8/27 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 to the 8/3 डिनोमिनेटर में 4 का क्यूब 64 और ये 27 इक्वल्स टू, यहां पर ये मेन डिनोमिनेटर, यहां पर आप लेंगे इसका एलसीएम, ये बनेगा 27, ये 8 आएगा माइनस ये 3 4 9 72, यहां पर ये 64/27। अब बेटे आपने क्या करना है, यहां पर ये रह जाएगा -64/27 मेन डिनोमिनेटर, 64/27 दिस इज इक्वल्स टू -1, ये रह गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट है, उसमें कहते हैं आप फाइंड करें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इनटू ये स्क्वायर ओपन करने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक हो गया। स्क्वायर ओपन किया हमने और स्क्वायर रूट वैसे थे, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जरूरत है 2 अल्फा बीटा, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा हमने खुद से ऐड किया है, जब खुद से ऐड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये खत्म करने के लिए अल्फा बीटा हम माइनस भी कर देते हैं, यानी जितना हमने ऐड किया उतना माइनस कर दिया और पहले से मौजूद है -2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब ये वाला ये सारा पोर्शन, ये तीनों फैक्ट, ये एक्सप्रेशन रेड लाइन अल्फा प्लस बीटा इनटू, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा हो गया, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, ये 2/3 2/3 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा 4/3 इक्वल्स टू 2/3 इनटू ये हो जाएगा आपके पास 4/9 -16/3,
अब 2/3 पैसे यहां पर 9 LCM आ जाएगा आपका। 9 को डिवाइड करेंगे 9 × 1 = 1, 1/4। माइनस 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और 3 को 3 टाइम = 8। ठीक हो गया। अब बेटे 2/3 into यहां पर −44/9 अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 2/3 × 44, 2/3 × 11 नहीं होगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा 4/9 11 अंडर रूट नहीं होगा। ये आपका इस तरीके से सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।